अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीरे आज़म इस्तांबुल शिपयार्ड में तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीरे आज़म का कहना था कि दो तरफा ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो गए। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ दो रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात अभी नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जम्हूरी माशरे में मुज़ाकरात का ऑप्शन ख़त्म नहीं होता। एहतजाज के दौरान शहरियों के हुकूक पामाल हुए तो इनकी हिफाजत करेंगे। फैसल वाउडा ने गलती तस्लीम कर ली, ता हयात ना अहली ख़त्म, 5 साल के लिए ना अहल करार। फैसल वाउडा आइंदा जनरल इलेक्शन और सैनेट इंतखाबात के लिए अहल करार। PTI को फैजाबाद पर धरने की इजाज़त, दारुल हुकूमत के रस्ते सील। पुलिस का कहना है कि सियासी सरगर्मियों के बाइस PTI ने कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद की हैं। वज़ीर दाखला का कहना है कि गैर कानूनी इकदामात रोकना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे ऑल डे लॉन्ग नेचुरली। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, हेल्प यू लिव For the whole family. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com। کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दो रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना हो गए। वो तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इस्तांबुल शिपयार्ड में तीसरे PSS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दो रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना हो गए हैं। वो तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इस्तांबुल शिपयार्ड में तीसरे PSS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन आला सतह के तबादले हमारी शराकत दारी की अक्कासी करते हैं। तुर्क आवाम की गर्मजोशी का जिक्र करते हुए कहा कि तुर्किया में होना ऐसा ही है जैसा अपने घर में। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर उर्दवान की क़यादत में तुर्किया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तस्वीराती शराकत दारी के नए दौर में दाखिल हो गए हैं और हम दोनों ममालिक के माबैन तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने के लिए कोशां हैं। दौरे के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म शहबाज के माबैन दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा और इलाकाई सूरतेहाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म इस दौरे के दौरान तुर्क ताजरों से भी मुलाकात करेंगे। रवानगी के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि तुर्क सदर की दावत पर तुर्की के दो रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह दोनों ममालिक में दिफाई तआवुन की नुमाइंदगी करता है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि आला सतह के तबादले हमारी शराकत की एक वाज़ह खुसूसियत है। दो तरफा ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के नए दौर में दाखिल हो गए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज ने लीजेंड मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए महरूम के अहले खाना से ताज़ियत और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम इस्माइल तारा मिज़ाही अदाकारी में मुनफरिद मुकाम रखते थे। उन्होंने मज़ाह के आर्ट को सिंफ के तौर पर मकबूल करने में किरदार अदा किया। उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात अभी नहीं हुई, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2022 ख़त्म होने से कबल वतन वापस आ जाएंगे।
दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात अभी नहीं हुई, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 2022 खत्म होने से कबल वतन वापस आ जाएंगे। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान शहरियों के हकूक पामाल हुए तो उनकी हिफाजत करेंगे। एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन आईन और कानून की हद उबूर ना की जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत दूसरे सेक्टर से पैसे निकालकर मुतासरीन को दे रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्दियों में रात गुजारना इम्तिहान है। सैलाब की इमदाद के लिए किसी से नहीं पूछा कि किस पार्टी से हो। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत को आफत से शिकार मुतासरीन को बिला तफरीक इमदाद मिलनी चाहिए। ऐसे मामलों में हुकूमत सियासी तरजीहात पर काम नहीं कर रही। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन लोगों की नकलो हरकत और रोजगार मुतासर नहीं होना चाहिए। वजीर दिफा ने कहा कि जमहूरी मुआशरे में मुज़ाकरात का ऑप्शन खत्म नहीं होता। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात अभी नहीं हुई। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मईशत पर मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी थी, जबकि मईशत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मुनहरिफ रहनुमा फैसल वाउडा के मुस्तफ़ी होने और गलती तस्लीम करने पर ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। इंसानों ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन अल्लाह ने देना था तो अल्लाह ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा फैसल वावडा के मुस्तफ़ी होने और गलती तस्लीम करने पर ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। उन्होंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए सैनेटरशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस की समाअत के दौरान फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत से मुतालिक झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इस्तीफ़ा देने के बाद फैसल वावडा मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक नाअहल होंगे। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट में गलती तस्लीम करते हुए कहा कि गलत बयान हल्फी पर अफसोस और शर्मिंदा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दिया और फैसल वावडा को अपना इस्तीफ़ा फौरी चेयरमैन सेनेट को भेजने का हुक्म दिया। अदालत ने फैसल वावडा को आइंदा आम इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात के लिए भी अहल करार दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा से मकालमा करते हुए कहा कि आप कह दें कि उस वक्त के कानून के मुताबिक आप रुकन असम्बली बनने के अहल नहीं थे। 15 जून 2018 को आपने अमरीकी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त दी, लेकिन शहरियत तर्क की नहीं थी। गलती तस्लीम करते हैं तो आप मौजूदा असम्बली की मुद्दत शुरू होने से नाअहल तस्वर होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट कब का है और असम्बली रुकनियत से इस्तीफा कब दिया, जिस पर फैसल वावडा ने बताया कि दोहरी शहरियत 25 जून 2018 को तर्क की, जबकि कौमी असम्बली के नशस्त से इस्तीफा 30 मार्च 2021 को दिया था। कबल अजीज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए फैसल वावडा ने कहा कि मैं PTI में नहीं हूँ। सहाफी ने उनसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, क्या आप अपनी गलती तस्लीम करेंगे। फैसल वावडा ने जवाब दिया कि अदालत जो हुक्म करेगी मैं वही करूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान आएंगे, जलसा करेंगे और वहां से सियासत शुरू होगी। इमरान खान के बारे में ना पहले बात की ना अब तस्लीम करूंगा। मेरा ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ था, इमरान खान साहब का है और रहेगा प्यार और एहतराम का रिश्ता। PTI उनकी पार्टी थी तो मैं उसमें था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैजाबाद के करीब धरने की इजाज़त मिल गई। दरी असना दारुल हुकूमत जाने वाले कई रस्तों को सील कर दिया गया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैजाबाद के करीब धरने की इजाज़त मिल गई। दरी असना दारुल हुकूमत जाने वाले कई रास्तों को सील कर दिया गया। PTI के 26 नवंबर के लॉन्ग मार्च के हवाले से वजारत दाखिला में राना सनाउल्ला की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में PTI के जलसे या धरने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने कहा कि सियासी जमात के वफाक पर चढ़ाई को रोकना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है। विफाक और उसकी इकाइयां मिलकर किसी भी गैर आईनी इकदामात को रोकने की पेशबंदी करें। चीफ सेक्रेटरीज यकीनी बनाएं कि कोई सरकारी मुलाजिम मंसूबे का हिस्सा ना बने। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PTI को फैजाबाद के करीब धरने की इजाज़त से मुतालिक रावलपिंडी इंतजामिया ने 56 नुकात पर मुश्तमिल इजाजतनामा जारी कर दिया है। इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बरतानिया की क्रिकेट टीम खेलने के लिए रावलपिंडी पहुँच रही है, लिहाजा जलसा करने के बाद जगह को मुकम्मल तौर पर खाली किया जाएगा। नोटिफिकेशन में रावलपिंडी पुलिस को जलसे के लिए तमाम जरूरी सिक्योरिटी इकदाम करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। साथ ही वजाहत की गई है कि चेयरमैन PTI इस्लामाबाद इंतजामिया
और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद सन रूफ वाली गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किसी भी नाखुशगवार वाकये या जानी नुकसान की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। जलसे और धरने में ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी और शरायत और जवाबत के खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरी असना पीटीआई जलसे और धरने के पेश नज़र दारुल हुकूमत और रावलपिंडी को जोड़ने वाले मुकाम फैजाबाद फ्लाईओवर को चारों अतराफ से मुकम्मल सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से बरास्ता फैजाबाद इस्लामाबाद आने वाले लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बंद किए गए रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम में फंसी गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद से रावलपिंडी बरास्ता मरी रोड जाने वालों के लिए फैजाबाद पर डायवर्जन लगा दी गई है, जबकि रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिले के लिए पुराना एयरपोर्ट और स्टेडियम रोड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रेड जोन में दाखिले के लिए एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक बंद कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में मारगला रोड, अयूब चौक और सरीना चौक के मुतबादल रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।